अषाढ़ कृष्ण पहला पक है, अठमी शुक्रवार का पंचांग। तो शुक्रवार तो आपको 24 घंटा रह जाएगा सूर्योदय तक, लेकिन शुक्रवार रह जाएगा एक अष्टमी तिथि 31/4 लिखा है, 31/4 पर, यानी कि शाम के हो गया। तो शाम के 5:39 तक, 6 बजे तक आपको अठमी तिथि रहेगा, उसके बाद नौमी तिथि आ जाता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 7:06 पर समाप्त हो गया, प्रातः काल सूर्योदय काल 7:06 7:15 लगभग खत्म हो गया। उसके बाद आपको रेवती नक्षत्र आ जाएगा, यानी कि 27 चालू हो गया 2 दिन के लिए। उसका शोभन योग है, तो शोभन योग आपको 2:30 दोपहर तक रहेगा। उसका अतिगंध योग आता है, तो शोभन योग तो ठीक है, लेकिन अतिगंध योग ठीक नहीं। बालों का लगभग ठीक है, ध्वज योगा जो है वो भी ठीक है ना, ध्वजा फर आता है। ऐसे जो जो बच्चे जो होते हैं उनका ध्वजा फर आता है, और उस तरह के जो नक्षत्र ग्रह है ना, राशि इत्यादि बहुत सारे उसमें सहयोग देते हैं तब होता है। लेकिन इसका जितना पावर है शक्ति उतना यह काम अवश्य करेगा। लेकिन पूरा सिंहासन जो पूरा जब सचमुच बहुत बड़ा बनेगा, तो उसके लिए और सारे ग्रह भी उस तरह के सहयोगी हो जाते हैं। यानी कोई बड़ा बनता है तो उसमें बहुत सारे यार दोस्त मित्र नैहर परिवार ससुराल है ममहर है, बहुत सारे लोग उसके सहयोगी हो जाते हैं, और सब सहयोग देकर के उसको आगे बढ़ाते हैं ना। तो CM PM बनता है तो सारा जनता उसको वोट देकर तब न बनेगा, से थोड़ा बनेगा। तो उसी तरह से यदि जन्म कुंडली में कोई एक ग्रह कहता है कि PM बनेगा, तो समझ लो नहीं बनेगा, PM से कुछ नहीं था, क्योंकि किसी एक के कहने से कुछ नहीं होगा ना। पूरा विधायक लोग जीत जाएंगे, सांसद लोग जीत करके जाएंगे, वो सब लोग मीटिंग करके उसको चुन करके पहुँचा देंगे चलता है ना। तो उसके लिए सबका सहयोग चाहिए। तो जन्म कुंडली में भी उसी तरह का जो बनता है, लगभग 9 ग्रह उसको उसी में सहयोग कर देते हैं। 9 ग्रह हुआ, तिथि नक्षत्र योग करण जितना है सब लगभग लगभग उसी में ढक कर देते हैं, यानी कि वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। यानी यही कहिए कि जिस तरह से आप CM PM चाहे कलेक्टर SP कोई बनता है, तो उसमें कौन कौन लोग उसको क्या क्या सहयोग देते हैं है ना, कैसे वो कठिन परिश्रम कर करके बल बुद्धि लगा कर वहाँ तक पहुँचता है। तो उन सारे चीज़ों को आप 9 भाग में 12 भाग में बांट दीजिए अनेकों भाग में, और वो सब सहयोगी हो जाते हैं जन्म कुंडली में कहिए। तो इस तरह से ग्रह नक्षत्र योग करण इत्यादि का चर्चा करते हैं, और आम पब्लिक के भाषण में है कि फलना चिलना है ना, बढ़िया से पढ़ा बढ़िया से मेहनत किया सब कुछ बढ़िया हो गया। चलिए ठीक है, तो 2400 घंटा आपको मीन राशि के चंद्रमा रहेंगे उत्तर दिशा में, यानी कि उत्तर और पश्चिम की यात्रा सुखदारी है। और लेकिन शुक्र जो है सो रवि शुक्र जो है सो पश्चिम की यात्रा सुखदारी नहीं होता है, उत्तर के लिए ठीक है, पश्चिम के भी यात्रा चलेगा, लेकिन दिशा सुर का महत्व ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा खराब है। तो अत्यावश्यक हो तो कर, ना ही तो छोड़। सूर्योदय 5:13 बनारस में 6:47 शाम को हो गया, तो शीतलाष्टमी व्रतम हो गया है ना, क्योंकि शुक्ल पक्ष का अष्टमी कृष्ण पक्ष का अष्टमी हुआ, और परिषित तान पानादिक पानादिकम अत्र विहितम बस्योरा है ना, सबका हिंदी में हो गया बस्योरा, इसको बस्योरा भी लोग कहते हैं, कलाष्टमी व्रत भी कहते हैं। स्वार्थ अमृता सिद्धि योग है, सुबह में 7:06 के बाद से आए प्राप्त है, तो स्वास्थ्य मृत्यु सीधे जो घटता है, एक साल में बहुत कम दिन आते हैं,
और इस मेला को हर तरह के शुभ काम करने के लिए मान्यता दिया गया है। यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर 24 घंटा तक लगता है, हो जाएगा। अद्रा नक्षत्र चतुर्थ चरण भोर में, माने रात 2:06 मैंने अर्धरात्रि के लास्ट में 2 बजे रात के अद्रा नक्षत्र चौथा चरण के हो जाएगा। अस्वार्थ मित्र स्थिति जो इतना है, लगभग सब तरह के शुभ काम कर सकते हैं, जितना उतना सब कर सकते हैं। यही आज का पंचांग हुआ। तो लाइक कर दीजिए, है ना, पसंद जो रहा होगा, हमारा ऐसा अनुमान है कि आपको जो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को दिखाइए, शेयर कर दीजिए। और हमसे जुड़े हुए रहने के लिए मेरा चैनल शंकर दयाल मिश्रा के बगल में लाल अक्षर का हुआ है, तो लाल अक्षर से है तो उसको छू के काला कर, क्या लाल अक्षर देखने में आएगा। यदि पहले ही से काला है, इनका आप हमसे जुड़े हैं और छोड़ दे तो छूछा मत कीजिए।